हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली। फ्रेंड्स, स्पॉन्जी इडली बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 1 ग्लास दाल ले लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद उड़ीद की दाल है, मैंने ये सुबह ही भिगो दिया था। और जिस ग्लास से अपन दाल लेंगे उसी ग्लास से अपन इडली रवा लेंगे। 3 ग्लास फ्रेंड्स, 3 गुना ज़्यादा लेना होगा। आप जिस भी कंटेनर से लेंगे वो ग्लास से 3 ग्लास आप ज़्यादा लेना। थोड़ा सा खाना लेना फ्रेंड्स। इस ये दाल में अपन खाना मिक्स कर देंगे। अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हो तो खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मिक्सी में पीस रहे हो तो खाना डालना ज़रूरी है फ्रेंड्स, वरना इडली अच्छी नहीं बनेगी। अपन मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा पानी डालना फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी डालने से है ना बैटर पतला हो जाएगा फ्रेंड्स। हम इसे थोड़ा थोड़ा कर पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। पीसने के बाद है ना फ्रेंड्स, अपन एक थोड़ा सा पानी डाल के फिर से थोड़ा पीस लेंगे। और पीसने के बाद हम एक भगोने में निकाल लेंगे फ्रेंड्स इस बैटर को। देखिए गाइस, हमारा बैटर कितना अच्छा पीस गया है। फिर बची हुई दाल भी हम पीस लेंगे इसी तरह, सेम उसी तरह पीसना होगा फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके, 2 बार करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेना होगा। उसके बाद जो रवा मैंने भिगने रखा था ना, वो इसमें डाल दी और इसे अच्छा से मिक्स कर दे के रवा और दाल को थोड़ा सा नमक डालकर मैंने रख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख सकते हो कि मेरा आटा कितना अच्छा फूल गया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग इडली के कुकर के अंदर फ्रेंड्स अच्छी तरह पहले आटे को मिक्स करना होगा। उसके बाद इस तरह प्लेट्स में डालेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना प्लेट्स को। मैंने जिस तरह प्लेट्स रखे हैं ना फ्रेंड्स, उसी तरह आप भी रखना। इसे हम इडली के कुकर में रख देंगे प्लेट्स फ्रेंड्स। इससे पहले अपन 1 ग्लास वाटर डालना होगा इडली कुकर के अंदर, डालकर ये प्लेट्स रख देंगे। इसे 10 मिनट्स तक हाई वॉल्यूम पर बनाना फ्रेंड्स। हाई वॉल्यूम पर बनाने से अपनी इडली अच्छी बनेगी। आप चाहे तो थोड़ा वॉल्यूम भी कम कर सकते हो, बट इसे 10 मिनट्स तो पकाना है फ्रेंड्स हमें। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे, हमारी इडली कितनी अच्छी बन चुकी है। अब इसे हम प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैं, कितनी अच्छी बनी है हमारी इडली। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, अच्छी बनेगी इडली। बाज़ार से भी अपनी इडली अच्छी बनेगी। इडली कुकर उतार लेते हैं अपन, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स गरम गरम। आप पहले ये निकालते जब थोड़ा सा कप में पानी लेकर स्पून से निकाल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इडली कितनी अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये इडली अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।